अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, एरिया हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिस पर मौसमी असरात फौरी तौर पर असरअंदाज होते हैं। हद से ज्यादा गर्मी और हद से ज्यादा ठंडक का असर भी इन पर पड़ता है। गर्मियों में अमूमन खुली जूतियां और चप्पल पहनने के बायस एड़ियों पर धूल मिट्टी और गर्दोगुबार जम जाती है। अगर इनकी मुनासिब देखभाल और सफाई का खास ख्याल ना रखा जाए तो फट जाने के साथ जिल्द की नमी भी खत्म हो जाती है। बास औकात पाँव की खुश जिल्द और पट्टी एड़ियों की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ता है और इनसे खून भी रसता है जो कि इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पट्टी एड़ियों में दरअसल बारीक लकीरें या दरार बनती हैं। इनमें जिल्द की सबसे ऊपरी तह एपिडर्मस मुतासिर होती है, लेकिन अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो वक्त के साथ दराज गहरी हो जाती है और जिल्द की दूसरी तह को भी मुतासिर करती है, जिससे दर्द भी महसूस होता है और बाज़ औकात इसमें इन्फेक्शन की शिकायत भी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच काने वाला सरसों का तेल, 2 चम्मच पिघली हुई मोमबत्ती, 2 चम्मच वेजलीन पेट्रोलियम जेली को भी लेके किसी बर्तन में डालकर हल्की आंच पर रख कर तमाम चीजें अच्छी तरह पिघला कर मिक्स कर ले। ठंडा होने पर रोजाना रात को एड़ियों पर लगा कर जुराबे पहन ले। सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो ले। चंद रोज के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी एड़िया ऐसे नर्म मुलायम और चमकदार हो जाएगी जैसे छोटे बच्चे की होती है। ये रेमेडी खास उन लोगों के लिए है जिनकी एड़िया सारा साल ही खराब रहती है। आजमाया हुआ है, आप भी आजमाए और दुआओं में याद रखे। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।